100 चिकन एग्स चिकन ग्रेवी। रामापुर के गांव में जीवन कहकर एक व्यक्ति चिकन से कई तरीके के आइटम्स तैयार करके बेचता था। उनके पास क्वालिटी अच्छा रहने के वजह से बहुत सारे लोग आकर खरीदते थे। ऐसे कुछ दिन के बाद जीवन का दोस्त श्याम मुंबई से आया। उसको देखकर जीवन, आइए भाई राइटर श्याम साहब, बहुत दिन के बाद आए हो। इतने दिन के बाद गांव और दोस्त याद में आए हैं क्या? फिर तो आज शाम को हम फुल टूल पार्टी करेंगे, सोनू और जॉनी को भी बुलाता हूँ, कहा। उस शाम को वे लोग पीते हुए पार्टी करने लगे। तब श्याम से जॉनी, अरे श्याम, जब भी फोन किया तो सारे फिल्म्स को तुम ही बना रहे हो, ऐसे कहते हो, लेकिन एक फिल्म में भी तुम्हारा नाम नहीं आता है, क्यों? पूछा। तब श्याम, वही है रे मेरा टैलेंट, फिर भी मैं सिनेमा में नाम कमाने के लिए नहीं गया था, सिनेमा को ठीक करने के लिए गया था, उनको सही रास्ते में बनाने के लिए गया था। असल में जब तक मैं गया था तब तक सारे सिनेमा फ्लॉप हो रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आया। एक एक ऑफिस में जाकर उनको जस्ट 1-15 मिनट में उनका स्क्रिप्ट को रिपेयर करके देने लगा। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में मुझे सब लोग स्क्रिप्ट डॉक्टर कहकर बुलाते हैं, पता है? कहा। तब जॉनी, अरे तुमने जो कहा है वो ठीक है, लेकिन अब तक कितना कमाए हो? पूछा। तब श्याम, अरे वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं पैसों के लिए नहीं गया था, जस्ट लंच के समय पर जाता हूँ, तब मेरा आइडियाज को बताकर उधर खाना खाकर निकल जाता हूँ, वे लोग मेरा आइडियाज को सुनकर फिर से मुझे नहीं बुलाते हैं, कहा। तब जॉनी, अरे आजकल तुम्हारा नाम जो है उस फिल्म में हीरो साइड विलन्स को मारने के बाद मेन विलन चंद्रमंडल से आकर फाइटिंग करता है, बाद में हीरो को वे लोग मारते हैं ना, ये आइडिया तुम्हें कहाँ से आया है? ये सुनने के बाद हीरो तुमको नहीं मारा है क्या? पूछा। तब श्याम, अरे वही है मेरा क्रिएटिविटी, वहाँ तक क्यों, कल हमारा जीवन का जिंदगी को बदलने के लिए एक जबरदस्त आइडिया सोचा हूँ, मेरे ब्रेन में वो आइडिया पूरा घूम रहा है कीड़े जैसा, कल जो मैं बताने वाला हूँ उस सब्जी की रेसिपी के लिए स्टेट में सारे लोग जीवन के पास ही आते हैं, 1 ईयर एडवांस बुकिंग करते हैं, पता है? कहा। तब जॉनी, अरे जीवन जरा ध्यान से रहना, ये कोई सब्जी का रेसिपी कह रहा है, चंद्रमंडल से लेकर आना बोलेगा शायद। कहकर हंसने लगे। बाद में सब लोग चले गए। अगले दिन श्याम जीवन के शॉप के पास खड़े होकर लोगों को बुलाया। तब लोगों से श्याम, आइए बाबू आइए, आपके लिए बढ़िया 100 चिकन एग्स चिकन ग्रेवी को तैयार कर रहे हैं, एक बार स्वाद करेंगे तो जिंदगी में नहीं भूलेंगे, एक आधा घंटा समय दीजिए, सब्जी तैयार करके सबको बुलाते हैं, कहा। तब सब लोग तालियां बजाए। बाद में श्याम से जीवन, अरे मामू 100 अंडे क्यों रे, ऊपर से अंडों का भाव भी बढ़ गया है, कहा। तब श्याम, अरे तुम आज के लिए चुप रहो भाई, इधर कौन है? राइटर स्क्रिप्ट डॉक्टर, मैं अच्छे से पका कर लोगों से हल्ला मचवा देता हूँ, एग्स चिकन ग्रेवी के लिए सब लोग हमारे ऊपर गिरे जैसा करता हूँ, देखो, कहकर अंडों को तोड़कर 100 चिकन एग्स चिकन ग्रेवी को तैयार करना शुरू किया। ऐसे थोड़े देर के बाद श्याम सब्जी को पकाकर जीवन को दिखाया। वो देखकर जीवन, अरे तुम झूठ कहे बिना सच कहो, तुम्हें सच्ची में सब्जी पकाना आता है कि नहीं, नहीं तो जब तुमने पूछा तब मेरे पास पैसे नहीं है कहने के वजह से मेरे ऊपर बदला लेने के लिए देख रहे हो क्या? अरे 100 अंडों से सब्जी बनाएंगे तो वो चिकन एग बुर्जी बनेगा, लेकिन ग्रेवी कैसे बनेगा? ऊपर से इसमें चिकन डाला तो सही से नहीं पकेगा और कच्चा बदबू आएगा, ये खाएंगे तो लोगों को उल्टियां हो जाएंगे और बाद में मुझे कुत्ते को मारे जैसे भगा भगा कर मारेंगे। अरे स्क्रिप्ट डॉक्टर साहब, आप तुरंत यहाँ से जाकर वो सिनेमा जो है उनको ठीक करने के लिए कोशिश कीजिए, मुझे ऐसे छोड़ दीजिए, मेरा जिंदगी जो है वो मैं जीता हूँ, कहकर प्रणाम करके श्याम को भेज दिया।